टेस्ला नाम तो सुना ही होगा। तो दोस्तों टेस्ला कंपनी अर्ली 2021 में इंडिया के अंदर डेब्यू करने वाली है और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको टेस्ला से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। टेस्ला के कौन कौन से मॉडल्स हैं, उनकी क्या प्राइसिंग है और बाकी मैन्युफैक्चरर से टेस्ला को क्या यूनिक बनाता है, सब कुछ। तो गाइस टेस्ला कंपनी के CEO हैं एलन मस्क और ये कंपनी 1 जुलाई 2003 को फाउंड करी गई थी कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। अभी अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन की तो टेस्ला के काफ़ी सारे मॉडल्स आते हैं, जैसे कि टेस्ला मॉडल S, टेस्ला मॉडल 3, टेस्ला मॉडल X और टेस्ला मॉडल Y। अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर टेस्ला मॉडल S की प्राइसिंग है $69,420, जो कि इंडियन करेंसी में है 50 लाख रुपीस। मॉडल 3 की प्राइसिंग है $39,000, इंडियन करेंसी में 28 लाख रुपीस। मॉडल X की प्राइसिंग है $79,990, इंडियन करेंसी में 57 लाख रुपीस। और मॉडल Y आपको कॉस्ट करेगा $50,000, जो कि इंडियन करेंसी में 36 लाख के अराउंड बैठता है। गाइज अभी मैंने जो आपको मॉडल्स बताए ये सिर्फ वो हैं जो अभी प्रोडक्शन में हैं, पर कुछ मॉडल्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं पर अभी उनका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे कि टेस्ला साइबर ट्रक, ये मेरा पर्सनल फेवरेट मॉडल है, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में आता है और बहुत ही जल्द इसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो सकता है। अब हम कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि टेस्ला कार्स को बाकी गाड़ियों से यूनिक बनाते हैं। सबसे पहला है सिंप्लिसिटी। टेस्ला कार काफ़ी सिंपल होती हैं। अब आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक फ्यूल कंजम्पशन व्हीकल में 2000 वर्किंग पार्ट्स होते हैं और वहीं पर एक टेस्ला कार के अंदर सिर्फ 20 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर कोई भी इंजन वगैरह नहीं होता, सिर्फ एक बैटरी होती है जो कि मोटर को पावर करती है, इसलिए यहाँ पर मूविंग पार्ट्स बहुत कम होते हैं और मशीनरी का बहुत सिंपल सा फंडा है, जितने कम पार्ट्स होंगे वो उतने अच्छे से काम करेगा और लंबे टाइम तक अपने पर्पस को सर्व कर पाएगा। जो यहाँ पर दूसरा रीज़न निकल कर आता है वो है ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी। टेस्ला के अंदर बहुत ही एडवांस ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी है जो कि आपको किसी और गाड़ी में देखने के लिए नहीं मिलेगी। टेस्ला का ऑटो पायलट अपने आप हाईवे पर लेंस को चेंज कर सकता है, आपकी कार को ट्रैफिक के बीच में स्टीयर कर सकता है और साथ ही में कंप्लीट यू टर्न भी ले सकता है। और इतना ही नहीं, जब आप अपने घर पर या ऑफिस में जाओगे तो आपकी गाड़ी पार्किंग के अंदर अपने आप लग जाएगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारी चीज़ें टेस्ला को बहुत ही खास बना देती हैं। इतने एडवांस लेवल का ऑटो पायलट आपको किसी भी कार में देखने के लिए नहीं मिलेगा और ये काफ़ी अच्छे से काम भी करता है। अब इंडियन हाईवेज पे ये कितने अच्छे से काम कर पाएगा वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तीसरा रीज़न है डिज़ाइन। टेस्ला कार्स देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगती हैं और इनका डिज़ाइन इन्हें बाकी गाड़ियों से स्टैंड आउट करता है। सारी की सारी टेस्ला कार्स एरोडाइनमिक होती हैं जो कि इनके लुक्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है और पर्सनली मुझे भी टेस्ला कार्स काफ़ी पसंद हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक टेस्ला कार किसी भी मसल कार से कम नहीं लगेगी और क्योंकि टेस्ला कार के अंदर इंजन और ट्रांसमिशन नहीं होता तो ये अंदर से बहुत स्पेशियस होती हैं। इवन जो बोनट है आप उसके अंदर भी छोटी मोटी यूटिलिटीज़ स्टोर करके रख सकते हैं। फोर्थ रीज़न है लो रनिंग कॉस्ट। क्योंकि टेस्ला कार एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आपको इसके अंदर बार बार फ्यूल भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इसे चार्ज करना है और आप रेडी हो कहीं पर भी जाने के लिए, तो इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल के कंपैरिजन में काफ़ी चीप पड़ती है। और ये सिर्फ बैटरी और मोटर पावर्ड होती हैं तो आपको बार बार इंजन ऑयल और कूलेंट चेंज कराने की भी ज़रूरत नहीं है, जो कि लिटरली काफ़ी महंगे होते हैं और उनकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। टेस्ला कार्स की रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों ही काफ़ी लो हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल है आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करेगी तो ऐसा नहीं है। टेस्ला कार काफ़ी फास्ट होती है, ये 3.1 सेकंड में 0 to 100 km/h की स्पीड पर पहुंच सकती है जो कि किसी मसल कार से कम नहीं है। ये काफ़ी अच्छी स्पीड है और मेरे ख्याल से इंडियन रोड्स के लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। अब हम बात कर लेते हैं उन मॉडल्स की जो कि इंडिया के अंदर आने वाले हैं। तो इंडिया के अंदर टेस्ला मॉडल 3 से डेब्यू करने वाली है और टेस्ला मॉडल 3 की प्राइस इंडिया के अंदर शुरू होगी 60 लाख रुपीज़ से। फिर टेस्ला मॉडल X भी आने वाली है जिसकी स्टार्टिंग प्राइस होगी 1.5 करोड़ रुपीज़। फिर टेस्ला मॉडल Y जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 2 करोड़ रुपीज़। ये सारे मैंने आपको एस्टिमेटेड प्राइस बताए हैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे वेरी हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उस कार की जिसके लिए टेस्ला फैन बॉयज काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और टेस्ला इसी कार से इंडिया के अंदर डेब्यू करेगी। मैं बात कर रहा हूँ टेस्ला मॉडल 3 की। ये काफ़ी अच्छी सेडान है, इसका जो स्टार्टिंग प्राइस होगा वो होगा 60 लाख रुपीज़। ये एक 5 सीटर सेडान है जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आती है।
और इसका जो हाई एंड वेरिएंट है वो एक चार्ज पे 420 किलोमीटर तक चल सकता है और ये 0 to 96 किलोमीटर पर आर की स्पीड तक सिर्फ 3.1 सेकंड में जा सकती है। और साथ ही में इस कार के अंदर आपको ऑटो पायलट भी देखने के लिए मिलेगा। तो 60 लाख के पैकेज में इतनी सारी चीज़ें, मेरे हिसाब से ये बुरी डील बिल्कुल भी नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, क्या टेस्ला कार जब इंडिया में आएगी तो आप इसको परचेज कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप इसे बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो टेस्ला कार आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर टेस्ला इनिशियल स्टेज में है, आपको हर जगह चार्जर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं तो आप फायदे में हैं, क्योंकि टेस्ला चार्जर्स को सबसे पहले मेट्रो सिटीज़ के अंदर ही लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो देख के थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे टैगी, स्टे कनेक्टेड।